मोगा विच मित्र सभा अते स्माइल इंडिया वालों नेचर पार्क विच 100 तो वध योग साधकों ने योग अभ्यास करके योग दिवस मनाया। इस मौके पर राधे राधे ट्रस्ट के मुख्य प्रधान राजश्री शर्मा और जनरल सकत्तर ने इस समारोह विच पहुँच के योगा करवाया और इस मौके पर उन्होंने मौजूद लोगों को योगा के लाभ बारे दसिया और साधकों वालों सवेरे करीब 5:30 तो 7 बजे तक योगा किया गया। मोगा तो नरेश कौड़ा की रिपोर्ट। प्रेजिडेंट राधे राधे ट्रस्ट मोगा, तो अज असी योगा डे ते सारे नेचर पार्क वालों जो भी साढ़े 4-5 ग्रुप सन जिमें नेचर पार्क मित्र सभा राधे राधे ट्रस्ट स्माइल इंडिया के ग्रुप असी सब इकट्ठे हो के अज योगा डे मनाया है। तो ये असी पिछले 5-7 सालों तो लगातार मना रहे हैं, तो साड़ी एक कॉल से ही सारे ही नेचर पार्क के जो मैंबर हैं इकट्ठे हो जाते हैं। सवेरे 5:30 बजे साड़ा प्रोग्राम शुरू हो गया सी, जिदे विच राजश्री मैम ने सब नू योगा कराया और योगा के जो फायदे हैं एक एक आसन के नाल वो फायदे दसे सब साधकों ने मिलजुल के किया। उस तो बाद एरोबिक्स होया, उस तो बाद साड़ा डांस का प्रोग्राम होया, लोगों ने बहुत इंजॉय किया। उस तो बाद दूध सी केसर वाला नाल नमकीन नाल बिस्किट सी, ते देख लो असी हले तक इंजॉय कर रहे हैं। ते उस दे नाल ही अज फादर्स डे भी है, वह भी सब नू वधाइया दित्तियां गईयां। राजश्री मैम ने सोंग भी गाए मदर बारे फादर बारे, मतलब अज दिन साडा बहुत वधिया रहा। ते असी ए प्रतिज्ञा लई है कि असी हर साल मनावांगे ते हर रोज योगा करांगे। राधे राधे ट्रस्ट कम से कम 5-6 सालों तो फ्री ऑफ कॉस्ट योगा नेचर पार्क च करवा रही है और आज इंटरनेशनल योग दिवस दे विच मैं यही कहना चाहवांगी कि सारियां नूं अपील करती हैं कि सारियां नूं घरे नहीं बैठा रहना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम अपना सिर्फ एक दिन योगा दिवस पर आए और एक दिन योगा करके चले गए जिन्हें ना तुहाडियां कोई बीमारियां जिहड़ियां खत्म हो जाएंगियां। ये एक संदेश है, जिवें साल दे विच एक आपां जन्मदिन मनाया जाता है उसी तरह जिहड़ा अज योग दिवस है एक सब नूं संदेश दिता जाता है और सारे लोग घर एक घंटा अपने टाइम जरूर करना चाहिए और योगा करना चाहिए है। क्योंकि अगर योग करते रहोगे तो निरोग रहोगे, वरना थोड़ी पूरे दिन अपने को टाइम नहीं होंगे अपना जरा काम है करता है बिजनेस है जो करता है, लेकिन एक घंटा आपू अपने आप को टाइम जरूर देना चाहिए है। अज तो जरा योग दिवस मनाया गया उनके काफ़ी भारी संख्या के लेडीज और जेंट महिलावान सारे ने रल मिल के इतने योगा किया और जड़िया किसी भी कोई प्रॉब्लम है या थायराइड दी है या शुगर दी है या किसी को सर्वाइकल है या जॉइंट पेन है या घुटनिया जगर है या कमर का दर्द है या उन्होंने कोई माइग्रेन डिप्रेशन किसी भी प्रकार का है वो पूछिया गई उन्होंने उन्होंने योग दिवस से उन्होंने बताया गया कि कहड़ी कि योग करना चाहिए इन्होंने रिलेटिड कि तुम ये करने अपनी बीमारियों जड़ा तो खत्म कर सकते हो। और उस तो बाद एक डाइट चार्ट भी दिता गया कि तुम दिनचर्या के की खाना चाहिए, किन्नी मात्रा के किमें खाना चाहिए, जी सवेर की शुरुआत तो लेकर रात तक आपको की खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाने के उपर बहुत ज़्यादा फर्क पैदा है कि अजक जरा फास्ट फूड बहुत लोगों का रुझाव उस चीज़ तो है, तो उस चीज़ तो बचाने सारा अपील की गई कि फास्ट फूड कम तो कम घर का खाना बिल्कुल खाना चाहिए और बिल्कुल स्वस्थ रहना रहना है। तो तुम खाने के उपर आपका फोकस रखना चाहिए और पेट भर के नहीं खाना, तुम्हें डकार आ जाए इन्ना बिल्कुल नहीं खाना, हल्का खाना है, पेट में हल्का रखना है और भुखे भी नहीं रहना। डाइटिंग वास्ते मैं कभी भी नहीं कहूँगी किसी को डाइट करने वास्ते, क्योंकि हमेशा हल्का खाओ और पेट कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी और पानी की मात्रा उन्होंने सब तो ज़्यादा होनी चाहिए है कि पानी की मात्रा उन्होंने थोड़ी थोड़ी देर बाद घूट घूट पानी पीते रहना चाहिए। तो आज योग दिवस के मैं सारे अपील यही कराँगी कि सारे योग करना चाहिए, योग ही रोग मिटाएगा। धन्यवाद।